नमस्कार दोस्तों, गणेश चतुर्थी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस बार हम बनाने वाले हैं गणेश जी के प्रिय मोदक दो तरीके से, वो भी बिना चावल के आटे, सूजी, मावा और चीनी के, जो 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों के फेवरेट चोकोलावा मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक पैन में लेंगे मिल्क पाउडर 3/4 कप और अब उसमें डालेंगे कोको पाउडर 1/4 कप। फ्रेंड्स, इन दोनों चीजों को डालते समय गैस का फ्लेम बंद रखें और अब इसमें डालें कंडेंस्ड मिल्क 1/2 कप। कंडेंस्ड मिल्क और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें और अब मैंने इसमें डाला है दूध 1/8 कप या फिर 1/4 कप का आधा पार्ट और इसके बाद गैस का फ्लेम ऑन कर लें और इस मिश्रण को लगातार लो मीडियम फ्लेम पर चलाते रहें और अब इसमें डालें घी 1 बड़ा चम्मच और घी को भी इस मिश्रण में अच्छे से मिक्स कर लें और अब डालें वेनिला एसेंस 1/4 छोटा चम्मच। इसे लगातार चलाते रहें, नहीं तो ये बैटर पैन में नीचे चिपक भी सकता है। और जैसे ही ये मिक्सचर इस तरह की थिक कंसिस्टेंसी का हो जाए और ये पैन को भी छोड़ने लगे तो गैस का फ्लेम बंद कर दें और अब इसे किसी भी प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लें और इसे 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने दें। 10 मिनट के बाद जैसे ही ये मिश्रण थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इस तरह का मोदक मोल्ड ले लें और उसे अच्छे से ग्रीस कर लें और अब इस मोदक मोल्ड को बंद कर लें और जो हमने चॉकलेट वाला मिश्रण तैयार किया है उसे इसके अंदर डाल दें और अब इस मिश्रण को सेंटर से दबाते हुए एक होल बना लें। इसकी सभी साइड्स को अच्छे से प्रेस करते जाएं, बिल्कुल इसी तरह से, और सेंटर में एक होल तैयार कर लें। और यहाँ पर मैंने लिया है हर्षे सिरप, जिसे इसके हाफ पार्ट तक फिल कर दें। अगर आपके पास हर्षे सिरप अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह मेल्ट की हुई चॉकलेट या फिर न्यूटेला का इस्तेमाल कर सकते हैं और अब इसे कोकोआ पाउडर वाले मिश्रण से बंद कर दें और अब हम इसे अनमोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना चोकोलिशियस मोदक बनकर तैयार है। और इन मोदक को बनाने में 10 से 15 मिनट का ही टाइम लगा है और अब मैं इस मोदक को आपको कट कर भी दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा चोकोलावा चोकोलिशियस मोदक बनकर तैयार है। तो आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम गुलकंद मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन में लेंगे मिल्क पाउडर 1 कप और उसमें डालें कंडेंस्ड मिल्क 1/2 कप और इसे भी बिना गैस चलाए अच्छे से मिक्स कर लें और अब इसमें डालें दूध 1/8 कप और अब गैस का फ्लेम ऑन कर दें और इसे लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते रहें और अब इसमें डालें घी 1 बड़ा चम्मच, इलायची पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, गुलाब जल 1/4 छोटा चम्मच और अब इन सभी चीजों को इस मिश्रण में अच्छे से मिलाते हुए लगातार चलाते रहें और अब मैंने इसमें डाला है रेड जेल फूड कलर 1/4 छोटा चम्मच। अगर आपके पास जेल फूड कलर अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह लिक्विड फूड कलर या फिर बीट रूट के जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे तब तक चलाते रहें जब तक ये थिक ना हो जाए, बिल्कुल इसी तरह से। और अब इस मिश्रण को एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लें और इसे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा कर लें। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट के बाद जब ये मिश्रण थोड़ा सा ठंडा हो जाए, मोदक मोल्ड को अच्छे से ग्रीस कर लें और बंद कर उसमें इस मिक्सचर को फिल कर लें और इसके सेंटर में एक होल बना लें और इसकी सभी साइड्स को अच्छे से दबा लें
और अब इसके आधे से थोड़े से ज्यादा पार्ट में गुलकंद को फिल कर दें। और अब फिर से इसे मिल्क पाउडर वाले मिश्रण से बंद कर दें। तो आइए फ्रेंड्स, इसे भी हम डीमोल्ड कर लेते हैं। देखिए कितना प्यारा मोदक बना है और इन्हें बनाने में भी बहुत ही कम समय लगा है। इस मोदक को भी मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एकदम गुलकंद फीलिंग वाला, माउथ वाटरिंग और डिलीशियस मोदक बनकर तैयार है। तो इस गणेश चतुर्थी ये इंस्टेंट और क्विक रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी के साथ, तब तक बाय।